ತಿಳಿದಿರ ಹಾಗೆ ಬೇಲೂರಿನ ನಾವುಗಳು ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತ ಜನ ನಾವು ನೋಡಿ ಚನ್ನಕೇಶವನ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಹಿಂದೂಗಳು दोस्तों जहां भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम करती है और बार बार मुसलमानों के नरसंहार करवाने की बात करती है, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लेकिन भाजपा ने कभी ये नहीं सोचा कि आम जनता क्या चाहती है। भाजपा सरकार के हिंदू मुस्लिम की राजनीति के मंसूबे पर पानी फेरते हुए एक किसान का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को मोहम्मद इरशाद एच ने शेयर किया है। ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಜನ ನಾವು ನೋಡಿ ಚನ್ನಕೇಶವನ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಹಿಂದೂಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾಳ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು. ಈಗ ಬೇಲೂರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಲೂರಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೋಮು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಜಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರಬೇಕು. ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದಂಥ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೊಳಲು ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಜನ ವಿಚಿತ್ರಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಇದು ಬಹಳ ಖಂಡನೀಯವಾದುದು. ಸಾವಿರಾರು ಹಿಂದೂಗಳ ಜೀವವನ್ನು ಜೀವಪರವಾದಂಥ ಕೊಳಲುವಾದಕರು ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಂದಿರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯಾರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜನಗಳು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಲೂರು ಯಾರಪ್ಪನ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಲೂರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರಿದ್ದೀವಿ, ಬೇಲೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ದೇನಿದ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಂತೆ. वीडियो को शेयर करते हुए लिखा इसमें व्यक्ति ने कहा कि मैं उन अजीबो गरीब संस्थाओं की निंदा करता हूं जो मुसलमानों को यहां व्यापार करने से रोकने की कोशिश कर रही है। सदियों से मुसलमानों ने बेलूर में हजारों हिंदुओं को बचाया है, उन्हें हमारे साथ रहने का पूरा अधिकार है, वे हमारे भाई हैं। मैं एक किसान हूँ, मुसलमानों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। वहीं दूसरा ट्वीट करते हुए आगे लिखते हैं कि मेरे बिना वह कुछ भी नहीं है, यहाँ राजनीति करने की जरूरत नहीं है, हम राजनीति करना जानते हैं, यहाँ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हमें इसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई करनी होगी। हम मुसलमान हिंदू ईसाई यहाँ शांति से रह रहे हैं। एक बेलूर फार्मा जहां एक आम नागरिक भाजपा सरकार से सत्ता में बैठी सरकार से अपील कर रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद करो, हमको शांति चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार के नेता कितने मुस्लिम विरोधी हैं आप अच्छे से जानते हैं। दोस्तों इस आधुनिक युग में ये शर्मनाक है कि हम हिंदू मुस्लिम ईसाई और सिख के रूप में बहस कर रहे हैं। भारत में उस सुंदरता की सुगंध नहीं दिख रही है जिसे बहुत गर्व से इंडियन कहा जाता था। दुर्भाग्य से एक तरफ आतंकवादी और दूसरी तरफ फासीवादी, कृपया भारत को पहले जैसा रहने दे। लेकिन ऐसा लगता है कि जब तक भाजपा की सत्ता है और हिंदू संगठन के संगी लोग इस देश में हैं, तब तक ये मुमकिन नहीं होगा। दोस्तों तथा कथित उदारवादी और सेक्युलर को पिछले 70 साल से यही करना चाहिए था। आखिर ये आदमी क्या कर रहा है? चुप नहीं रहना, कट्टरता को फैलाने नहीं देना और उसका डटकर सामना करना। अगर इस आदमी जैसे और लोग होते तो भारत एक उन्नत राष्ट्र होता। दोस्तों भाजपा नेताओं ने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करके देश का माहौल बिगाड़ दिया है आपने खुद देखा है। जहां आम जनता भाईचारे के साथ जीना चाहती है, वहीं ये भाजपा के आरएसएस के और बजरंग दल के गुंडे गुंडागर्दी करके शांति को भंग कर रहे हैं। इस खबर में सिर्फ इतना ही। वही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए MIM News Express को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें।